नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता को लेकर। दरअसल बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा के मामले में मिली है जमानत। आजम खान को मिली रेगुलर बेल के बारे में बड़ी खबर आ रही है। सपा नेता आजम खान को मंगलवार को रेगुलर बेल मिल गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई उनकी अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का यह आदेश आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आजम खान को स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा करने से जुड़े मामले में रेगुलर जमानत मिली है। दरअसल 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर उनको अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था अब आजम खान बाहर आ सकते हैं, बशर्ते उन्हें दोबारा रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगानी होगी। कोर्ट ने इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। 20 मई को आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। मंगलवार सुबह आजम खान कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। इस दौरान अंतरिम बेल, फर्जी स्कूल मान्यता को यतीम खाना प्रकरण समेत 12 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई। देर शाम कोर्ट ने स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा के संबंध में रेगुलर बेल देने का आदेश दिया। ऐसे में अब आजम खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। बता दें आजम खान पर कुल 90 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सभी मामलों में उनको जमानत मिल गई है। अब वह जेल से बाहर आकर रहकर ही मुकदमों की पैरवी करेंगे। वहीं इससे पहले पेशी के बाद आजम खान ने मीडिया के सवाल में जवाब तंज भरे अंदाज में कहा, मैं मुजरिम हूँ। आजम खान पर यतीम खाना में बने रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा के आरोप में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर स्कूल बनवाया। आरपीएस की मान्यता के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने फर्जी तरीके से एनओसी बनाई है। तो ऐसे में अब यहां पर बड़ी राहत मिलती जरूर आ रही है आजम खान को। नजर कहीं ना कहीं आजम खान फिर भी गिल्ट में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया के सवालों पर तंज कस रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मुजरिम हूं। तो ऐसे में रिपोर्ट आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।